भाषा अपडेटेड 2 अप्रैल 2018 सुबह के 5:50 चाइना मेन स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस CMSEO ने बताया कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्पेस लैब आज पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा। CMSEO द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक आलोक के मुताबिक तियांगुंग 1 वायुमंडल में जल जाएगा और इससे जमीन पर कोई नुकसान पहुंचने की बहुत कम संभावना है। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 रात के 9:10 इस विशालकाय आइसक्रीम डेजर्ट को उत्सव में शिरकत करने वाले 4000 से ज्यादा लोगों ने 30 मिनट के भीतर खाकर खत्म कर दिया। भाषा अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 रात के 8:12 बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में सड़क से नीचे गहरे खड्डे में एक वाहन गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बस का चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते बस सड़क से नीचे जा गिरी। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 रात के 8:58 खास तौर से तैयार किए गए गुब्बारों की मदद से यह पता लगाया गया है। साथ ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद बेहद खराब और विकट परिस्थितियों में भी जीवित रहने वाले जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे येलोस्टोन के गर्म झरनों में, गहरे हाइड्रोथर्मल सुरंगों, प्रदूषित क्षेत्रों और अम्लीय झीलों में भी जीवाणु मिले हैं। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 रात के 9:00 यह आविष्कार सैन्य टुकड़ियों के बेहतर ढंग से छिपने में मददगार हो सकता है। साथ ही यह अंतरिक्षयानों के लिए बेहतर इंसुलेशन उपलब्ध कराने, भंडारण के लिए बेहतर डिब्बे बनाने, आपातकाल शिविर, नैदानिक देखरेख और हीटिंग व कूलिंग सिस्टम के निर्माण में भी सहायक हो सकता है। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 शाम के 6:07 अमेरिका से निष्कासित राजनयिकों और उनके परिजनों को लेकर एक विमान रविवार को मॉस्को में उतरा। रूस की संवाद समिति ने कहा कि नुकोवो हवाई अड्डे पर उतरे विमान में वॉशिंगटन में रूसी दूतावास के राजनयिक सवार थे। न्यूयॉर्क महावाणिज्य दूतावास और संयुक्त राष्ट्र में तैनात राजनयिकों और उनके परिजन को लेकर एक और विमान के आने की संभावना है। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 शाम के 6:00 पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के अवसर पर अपने परंपरागत संदेश में सीरिया में जनसंहार खत्म करने और पश्चिमी एशिया में मेल मिलाप का आह्वान किया। पोप ने शहर और पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा, आज हम प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति कायम हो और इसकी शुरुआत लंबे समय से जूझ रहे सीरिया से हो। सभी राजनीतिक एवं सैन्य नेताओं की अंतरात्माओं से अपील करते हुए पोप ने कहा कि जनसंहार का तेजी से खात्मा होना चाहिए। अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 दोपहर के 2:09 बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में एक बस के खाई में गिरने से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। खबर न्यूज डेस्क अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 दोपहर के 1:45 अरब संसद ने शनिवार को इजरायल द्वारा निहत्थे फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की निंदा की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल हो गए। ईएनएस अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 सुबह के 10:51 गाजा सीमा पर इजरायली सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कम से कम 17 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 1400 ज्यादा लोग घायल हो गए। भाषा अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 सुबह के 5:26 एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय मछुआरों के इस समूह को बृहस्पतिवार रात पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया। भाषा अपडेटेड 1 अप्रैल 2018 रात के 12:34 घरों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक का सामान बनाने वाली उत्पादक कंपनी टिपरवेहब नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ताज़ा आहार मुहैया कराने में मदद करेगी। भाषा अपडेटेड 31 मार्च 2018 शाम के 7:41 काफी जटिल अंतरिक्ष वेधशाला के शेष कार्य के संबंध में आंतरिक आकलन के बाद नासा ने मंगलवार को अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष दूरबीन को लॉन्च करने के अपने लक्ष्य को एक साल बढ़ाने की घोषणा की। भाषा अपडेटेड 31 मार्च 2018 रात के 11:31 हॉकिंग को स्नायु संबंधी बीमारी एमियोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस थी, जिसमे व्यक्ति कुछ ही वर्ष जीवित रह पाता है। ईएनएस अपडेटेड 31 मार्च 2018 दोपहर के 3:45 नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पदभार संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे के तहत आगामी 6 से 8 अप्रैल तक भारत दौरे पर रहेंगे। भाषा अपडेटेड 31 मार्च 2018 दोपहर के 1:42 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई शनिवार को पाकिस्तान के स्वात घाटी में अपने पैतृक नगर पहुंचकर रो पड़ी। लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली मलाला को साल 2012 में तालिबान के आतंकवादियों ने सिर में गोली मार दी थी। वह इस घटना के बाद पहली बार पाकिस्तान आए हैं।
सूत्रों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच 20 वर्षीय मलाला अपने माता पिता के साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में आज एक दिन के दौरे पर पहुंची हैं। ईएनएस अपडेटेड 31 मार्च 2018 दोपहर के 12:33 कोरिया स्थित 16 कंपनियां, हांगकांग में पंजीकृत 5 कंपनियां, चीन की 2 कंपनियां, ताइवान की 2 और सिंगापुर व पनामा की 1 कंपनियां शामिल हैं। भाषा अपडेटेड 31 मार्च 2018 सुबह के 8:38 अमेरिका ने वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी कामगारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक से अधिक आवेदन किए जाने पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा। शरणार्थियों एवं नागरिकता से जुड़े मामलों को देखने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस एज ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से चंद रोज पहले यह चेतावनी जारी की है। ईएनएस अपडेटेड 31 मार्च 2018 शाम के 5:39 रूस ने शुक्रवार को यूरोपीय देशों के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। रूस ने यह कार्रवाई यूनाइटेड किंगडम